लेकर राव ने अच्छा काम किया है, ये भी जानकारों का कहना है, लेकिन जनता है, जनता सब जानती है और जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी तो आप बदलाव नहीं चाहती है। अभी तक तो अभी ऐसा ही इंडिकेशन मिल रहा है, बीजेपी 55 पर आ गया है, कांग्रेस 50 पर। राजस्थान की अगर बात करें तो 70 और 60, 10 सीटों का डिफरेंस कांग्रेस बीजेपी के बीच बना हुआ। आदर्श 12 पर आ गए, बहुत बड़ा नंबर है आदर्श में 12 का, और ये डिसीजन मेकिंग नंबर हो सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 62 सीटों के इंडिकेशन आ चुके हैं, बीजेपी 32 पर, 30 कांग्रेस पर, और बड़ा पिक्चर ये है कि अभी तक 3-1 से मुकाबला बीजेपी के पक्ष में। शोभना जी जाता हूँ, बिल्कुल। और देखिए ये जो लड़ाई है बड़ी कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। अब जो अंतर है सीटों का वो 8 रह गया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये 10 सीटों का बना हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस शुरुआती रुझानों में बढ़त ली हुई थी, लेकिन अब बीजेपी 2 सीटों से आगे निकलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, 40 का आंकड़ा हो गया है। ये देखिए 60-52, 8 सीटों का अंतर हो चुका है इस समय। और मध्य प्रदेश में अगर हम रीजन वाइज बात करें तो ग्वालियर चंबल रीजन में 34 सीटें हैं, बीजेपी पिछली बार 7 सीटें जीती थी। बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं जिनमें से 14 बीजेपी जीती थी। बड़ी खबर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। और देखिए ये दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं काफी। जिस तरीके के बयान नरोत्तम मिश्रा देते हैं उनसे हमेशा खबरों में बने रहते हैं, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। और राघोगढ़ से राजवर्धन सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं इस समय। इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। 60-52 का यह आंकड़ा हो चुका है, कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है। और अगर टैली की बात करें तो 3-1, लेकिन मुकेश जी ये 3 जो है वो बीजेपी के हक में जा रहे हैं। देखिए तो फिर मैं इस समय यही कहूंगा कि ये अभी पोस्टल बैलेट हैं और हमें अभी एक्चुअल जो बैलेट होते हैं जो बटन दबाए, मुझे लगता है कि अब ईवीएम खुलने लगी होंगी, 8:30 का समय हो चुका है, पोस्टल बैलेट बहुत ज्यादा संख्या लेकिन नहीं उनका रुझान आने में अभी कम से कम 2 घंटे हैं, इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान या अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला हूं। अच्छा, अभी मुकेश जी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन 60-52 का ये आंकड़ा दीपक जी हो चुका है। राजस्थान में बीजेपी 75 पर आ गए, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 65 पर आ गए, आदर्श 12 पर। देखिए कितनी तेजी से आंकड़ा बदल रहा है, फिर भी 10 का फासला बनाया हुआ है। राजस्थान में बीजेपी 75 पर, कांग्रेस 65 पर, आदर्श 14 पर, आदर्श लगातार बढ़ते हैं। लेकिन दीपक जी मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक तरफा नहीं है कोई भी नतीजा, मैं चारों राज्यों को अगर देखूं तो एक तरफा नहीं है, तेलंगाना छोड़कर। तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी लीड ले ली है, लेकिन जहां जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी स्वीप कर रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे, अगर हमने गुजरात के मैं नतीजों को याद करूं तो स्वीप कर गई थी बीजेपी वहां पर। कर्नाटक के अगर नतीजों की बात करूं तो कांटे की टक्कर 12 बजे तक रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आगे निकल गई थी। यहां पर एक ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए आंकड़ा 80-60, 20 का डिफरेंस, राजस्थान का आंकड़ा बदल गया। राजस्थान में देखिए हर बार रिवाज सत्ता परिवर्तन का। राजस्थान में 154 सीटों के रुझान, 80 पर बीजेपी, 20 सीट और रुझानों में बीजेपी आगे निकल जाएगी, 20 सीट और रुझानों में बीजेपी आगे निकल जाएगी, कांग्रेस 60 पर, आदर्श लगातार बढ़ते हुए 14 पर। ये नंबर ध्यान रखिएगा, इसको टिक करके रखिएगा, कहीं यही पर राजस्थान की सत्ता ही अजहरुद्दीन आगे चल रहे हैं जुबली हिल्स इलाके से तेलंगाना के, वहां पर अजहरुद्दीन बंजारा हिल्स से आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है मुझे भी बंजारा हिल्स था, लेकिन जब ये जुबली हिल्स मेरे सामने आया स्क्रीन पे तो मुझे भी जुबली हिल्स याद आ गया। कोई बात नहीं, दिल्ली में रह के बंजारा बोल लो, जुबली बोल लो, सब चलता है, सब चलता है। जोटवाड़ा से राजवर्धन राठौड़ पीछे हो गए जो अभी तक आगे चल रहे थे बीजेपी के, बीकानेर से बीजेपी के सिद्धि कुमार अब आगे हो गए हैं, टोंक से सचिन पायलट अभी भी अपनी बढ़त को आगे बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो है वो दतिया सीट से पीछे चल रहे हैं। और ये बड़ा झटका है क्योंकि मध्य प्रदेश में मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फायर ब्रांड नेता, लेकिन वो अभी पीछे चल रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है वो लगातार ये टैली बदल रही है, टीवी स्क्रीन से नजरें बिल्कुल मत हटाइए। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं दीपक, बिल्कुल छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे, कोई आश्चर्यजनक राघोगढ़ से राज्यवर्धन सिंह आगे। राज्यवर्धन का एक खास तौर पे ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत कद्दावर नेता रहे, वो पहली बार में ही उनको केंद्र में इतने बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए। ये वो राज्यवर्धन, दीपक जी आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं ही सही थी। ये दूसरे एमपी में कांग्रेस आगे,
कांग्रेस आगे 63 सीटों पर, कांग्रेस बीजेपी 54 पर, दो सीटों का डिफरेंस, बड़ी दो सीटों का डिफरेंस। देखिए ये अब तो मुकेश जी खुश हो गए, मुकेश जी खुश हो गए, टैली जो है वो दो दो पे आ गई है, फिर से टैली दो दो पर आ गई है। मैं तो कहूंगा अभी भी जब